पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ग्राउंड सर्वे समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहाली मामले में प्रदेश सरकार और शासन के स्तर से अंतिम निर्णय लिए जाने और उस पर कैबिनेट स्वीकृति उपरांत तत्काल प्रभाव से अधिसूचना जारी किए जाने को लेकर ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के बैनर तले हापुड़ के ब्रजघाट गंगा तट से बीते दिवस शुरू हुआ जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली निवेदन मार्च मुरादाबाद पहुंचा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी मनोज कुमार ने मार्च के पथ पर प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में केंद्र की विलेज हेल्थ गाइडलाइन स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचा चुके प्रदेश के 87,500 जन स्वास्थ्य रक्षकों और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहाली के लिए हम वर्षों से निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने हमारी मांगों के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए हाल ही में जन स्वास्थ्य रक्षकों का प्रदेश भर में ग्राउंड सर्वे कराकर उस पर निर्णायक शासकीय कार्यवाही शुरू की है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हमें लगता है कि मूल मामले पे समाधान के मार्ग में अंतर विभागीय स्तर पर कई शासकीय पेंच हैं, इसलिए हमारा संगठन मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से इसके अंतिम समाधान पर निर्णायक वार्ता कर और इस पर तत्काल कैबिनेट बुलाए जाने की मंशा को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। हमारी संस्था के बैनर तले पूरे राज्य के जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली के लिए एक निवेदन मार्च निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 87,500 जन स्वास्थ्य रक्षक पहले केंद्र की विलेज हेल्थ गाइड स्कीम के तहत गांव-गांव में मानदेय कर्मी के रूप में काम करते थे। वर्ष 2002 अप्रैल में केंद्र सरकार ने इसको अपने स्तर से बंद करके राज्यों को योजना सौंप दी थी। बाद में राज्यों ने इस योजना को अपने वित्तीय कारण दिखा के बंद कर दी। हमारी संस्था इन लोगों को मौजूदा स्वास्थ्य योजना में कार्यवाही दिलाने के लिए लंबे अरसे से संघर्ष कर रही थी। वर्तमान सरकार ने मई माह में इनकी बहाली के लिए एक सैद्धांतिक सहमति दी, जिसकी सहमति के बाद प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण महानिदेशालय ने हाल ही में पूरे राज्य में जन स्वास्थ्य रक्षकों का ग्राउंड सर्वे कराया। इस सर्वे की रिपोर्ट अब प्रदेश सरकार, शासन और परिवार कल्याण महानिदेशालय को पहुंच गई है। हमारी आज की रैली इस बात को लेकर है कि अब इस मामले में जब रिपोर्ट पहुंच गई है तो उन रिपोर्टों की बुनियाद पर प्रदेश सरकार और शासन उसमें अंतिम शासकीय प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत उसमें वित्तीय प्रस्ताव तैयार कराते कैबिनेट स्वीकृति उपरांत उसमें शासकीय अधिसूचना जारी कराएं।